हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, इससे पहले हम दो सेट कर चुके हैं, आज हम थर्ड सेट डिस्कस करेंगे। चैप्टर वन होगा इल्यूमिनेशन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। जो भी स्टूडेंट्स JEE या फिर टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखें, और इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर एक वीडियो से आप कनेक्टेड रहें। फेसबुक पेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण सेशन और सीखते हैं काफ़ी कुछ नया। क्वेश्चन नंबर वन होगा दोस्तों, इससे पहले हम 51 क्वेश्चन इससे लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन होगा यहाँ पे, एक गैस फील्ड फिलामेंट बल्ब जो है उसमें कौन सी गैस यूज़ करते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सी करते हैं दोस्तों, ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नाइट्रोजन हम यूज़ करते हैं, जानते हैं इसके बारे में, तो नाइट्रोजन ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम आर्गन भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इन दोनों की अगर बात आई है तो नाइट्रोजन जो है दोस्तों विल मिनिमाइज द रिस्क ऑफ आर्किंग बट विल अब्जॉर्ब मोर हीट देन आर्गन। तो इसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये आप जरूर ध्यान में रखें एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, एंड जितने भी क्वेश्चंस होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू द लैम्बर्ट्स लॉ द इल्यूमिनेशन ऑन ए सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू, तो किसके प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों, ये होती है 1/cos³θ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 आप देखेंगे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए गाइज। तो यहाँ पे आप इसके बारे में देख सकते हैं, ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे बात करते हैं। लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ यहाँ पे आया है, तो क्या है दोस्तों, इट स्टेट्स दैट व्हेन लाइट फॉल्स ओब्लिक्यूली ऑन ए सरफेस द इल्यूमिनेशन ऑफ सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द सरफेस नॉर्मल। तो ये जो डेफिनेशन है ये आप जरूर ध्यान में रखें, इससे आपका कंसेप्चुअल बिल्कुल क्लियर रहेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप इल्यूमिनेशन जो इसका फॉर्मूला है वो जरूर ध्यान कर ले, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है दोस्तों, 1/cos³θ यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से है दोस्तों प्रिंसिपल। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन होगा कि इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट चॉप एक्ट्स एज, तो मोस्ट काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, तो मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे चॉक क्या काम आता है फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो हम यूज़ करते हैं, तो उसका अगर हम सही यूज़ करें तो दोस्तों ये एक यहाँ पे आपका करंट लिमिटिंग डिवाइस है। ऑप्शन 4 जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑप्शन 4 करंट लिमिटिंग डिवाइस रहेगा। कैसे, तो यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं दोस्तों चॉक कॉइल के, फर्स्ट है कि लिमिट द करंट करता है, सेकंड प्रोड्यूस हाई वोल्टेज अक्रॉस ट्यूब लाइट। तो ये दोनों ही आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपको मैच करना है, यहाँ पे आप देख पाएंगे तो मैच करें अगर हम, कॉलन 1 में आपको दिया है यहाँ पे ल्यूमिनस फ्लक्स, तो इसकी जो यूनिट है दोस्तों उसको अगर हम कनेक्ट करें तो क्या होगा, ल्यूमिनस फ्लक्स होगा आपका ल्यूमन। तो A को अगर हम 4 से मैच कर दें, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी दोस्तों ये आपके हो गए कैंडेला, एंड ल्यूमन क्या होता है दोस्तों, ल्यूमन होता है आपका कैंडल पावर इंटू इंटेंसिटी सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल पावर क्या है दोस्तों, ल्यूमन पर स्टीरेडियन। तो ये है इसके बारे में। अगर हम इसके ऑप्शन वाइज जाएं तो यहाँ पे आप ऑप्शन 2 देख पाएंगे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ से गाइज आपकी 4 क्वांटिटीज की आपकी यूनिट्स पता चल जाती हैं, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है व्हेन ए फ्लोरोसेंट लैम्प इज टू बी ऑपरेटेड ऑन DC विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल डिवाइस मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द सर्किट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है यहाँ पे कि अगर हम फ्लोरोसेंट जो लैम्प होता है उसको DC पर हम उसे कनेक्ट करें तो हमें इनमें से कौन सा जो है एडिशनल जो है आपको डिवाइस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 आप देखेंगे, रेजिस्टेंस हमें सीरीज में यूज करना पड़ता है, ऑप्शन 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, फ्लोरोसेंट लैम्प कैन रन डायरेक्टली ऑन ए DC सप्लाई। तो यहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली जो चोक होती है DC में क्या है दोस्तों, वेरी लो इम्पीडेंस शो करेगी, जिसके कारण यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस इन सीरीज लगाना पड़ता है चोक के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे आप जरूर ध्यान में रखें एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द चोक इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द ट्यूब फिलामेंट या फिर रेजिस्टेंस विच प्रोवाइड ए वोल्टेज इम्पल्स फॉर स्टार्टिंग द लैम्प एंड एक्ट्स एज ए ब्लास्ट ड्यूरिंग रनिंग, इट ड्रॉप्स द वोल्टेज एंड स्मूथ करती है दोस्तों करंट के वेवफॉर्म को।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ल्यूमिनस फ्लक्स इज ए, तो ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन वन, रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव, ऑप्शन वन जो देखेंगे आप बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं रेट ऑफ एनर्जी रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ लाइट वेव, तो ल्यूमिनस फ्लक्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड इन फॉर्म ऑफ लाइट वेव, डिनोट्स बाई फाई दोस्तों, एंड ऐसा यूनिट क्या है ये आप जरूर ध्यान रखें, ल्यूमन होती है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो फॉर द सेम रेटिंग द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट प्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप इज लीस्ट, तो किस में सबसे कम हीट प्रोड्यूस होगी दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, बाकी सब में जो है हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, फिलामेंट लैंप तो काफी गर्म हो जाता है, सोडियम वेपर लैंप भी काफी हीटेड रहता है और मर्करी वेपर लैंप भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोरोसेंट लैंप अगर हम यहाँ पे बात करें, फ्लोरोसेंट लैंप ऑपरेट ऑन प्रिंसिपल ऑफ गैसियस डिस्चार्ज, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप इसको भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है 59 का, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप गिव्स नियरली अल्ट्रा वायलेट लाइट, तो कौन सा लैंप है दोस्तों यहाँ पर जो अल्ट्रा यूवी लाइट्स आपको प्रोड्यूस कराता है, ऑप्शन फोर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन आर्क लैंप आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। एक्सप्लेनेशन में देखें तो आर्क लैंप आर आल्सो यूज टू प्रोड्यूस वेरी इंटेंस यूवी रेडिएशन, फॉर एग्जाम्पल मर्करी आर्क लैंप, कार्बन आर्क लैंप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कार्बन आर्क लैंप है वो आपके यहाँ पे यूवी लाइट्स को प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं, कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, तो ये भी आप स्ट्रक्चर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन होगा कि द अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट प्रोड्यूस बाय ए फ्लोरोसेंट लैंप इज नियरली व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ ए फिलामेंट लैंप ऑफ द सेम रेटिंग, तो क्या होती है दोस्तों यहाँ पे 40% होगी, तो इसे याद करें ऑप्शन थ्री जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पता है पूछे जाते हैं यूडब्ल्यू से रिलेटेड और काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस रहते हैं, तो यहाँ पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही बेहतर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में, द फर्स्ट एडवांटेज जो है दोस्तों ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप इज देयर हाई एफिशिएंसी होती है, और यहाँ पे 100 वाट की अगर हम कोयल्ड कोयल टंगस्टन लैंप गिव्स यहाँ पे 1260 ल्यूमन देता है, जबकि फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होती है दोस्तों वो 65 वाट की ही यहाँ पे 4600 ल्यूमन आपको प्रोड्यूस कराती है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में देखें एफिशिएंसी काफी ज्यादा रहती है और हीट भी काफी कम प्रोड्यूस करती है। अगला क्वेश्चन है कि हीट फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ ए लैंप इज ट्रांसमिटेड टू द सराउंडिंग मेनली थ्रू, किसके थ्रू ज्यादातर यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू, ऑप्शन थ्री देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रेडिएशन के थ्रू दोस्तों, सिंस मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी फ्रॉम टंगस्टन फिलामेंट लैंप से होती है दोस्तों वो आपको हीट एनर्जी में मिलती है, और यहाँ पर रेडिएशन के थ्रू यहाँ पे ज्यादातर हीट जो है वो वेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लिकर्स इन ए इनकैंडिसेंट लैंप एट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ सप्लाई विल बी, तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर पता होने चाहिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन थ्री 100 पर सेकेंड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, तो इसे आप ध्यान में रखें कैसे होगा देखते हैं। तो लाइट फ्लिकर जो है दोस्तों ये एक फिनोमिना है ऑफ रैपिड क्विक या रिपीटेड चेंज इन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट ओवर टाइम, तो ये तो इसके बारे में है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंप नॉर्मली फ्लिकर करते हैं एट ट्वाइस द लाइन फ्रीक्वेंसी, इस लाइन को दोस्तों जरूर नोट कर लें ट्वाइस द लाइन फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगी 50 यहाँ पे पूछा गया तो 100 पर सेकेंड पर होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन रिलेशन टू द पीक्स जीरो क्रॉसिंग ऑफ करंट ऑन 50 हर्ट्ज एसी पावर दैट विल बी 100 टाइम्स पर सेकेंड, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि द लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन सरफेस लिस्ट डिपेंड ऑन, तो किस पे सबसे कम डिपेंड करता है दोस्तों, यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर पे बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन फोर, तो कैंडल पावर पे तो डिपेंड करता ही है, डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करते हैं दोस्तों तो इल्यूमिनेशन बहुत कम हो जाता है, तो डायरेक्टली यहाँ पर इफेक्टेड है, और टाइप ऑफ रिफ्लेक्टर यूज पे भी काफी, तो यहाँ पे एम्बिएंट टेम्परेचर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन कलर इज नियरली, तो क्या होती है दोस्तों वेवलेंथ लगभग यहाँ पे 5500 होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका फोर जो है देख पाएंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने जितना भी स्टैंडर्ड डाटा है वो आपको प्रोवाइड करवाया है कि द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन कलर जो है आपको 4950 से 5700 आर्मस्ट्रॉन्ग तक यहाँ पे मिलती है, द आई इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर ए वेवलेंथ ऑफ 5500 आर्मस्ट्रॉन्ग, सो दैट द रिलेटिव सेंसिटिविटी अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ इज टेकन एज यूनिटी, तो ये आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें 1 angstrom आपका किसके इक्वल होता है दोस्तों, तो किसके इक्वल रहता है ये 10^8 cm, ऑप्शन थ्री जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा एंड इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 angstrom इज इक्वल टू 10^8 cm, अगर आपको पूछा जाए नैनो में तो 0.1 नैनोमीटर, तो ये है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फर
प्रोड्यूस द ग्रीन कलर। तो कौन सा ग्रीन कलर कौन प्रोड्यूस करता है दोस्तों? यहाँ पे करेगा आपका जिंक सिलिकेट, ऑप्शन वन जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो देख सकते हैं आप, तो ऑप्शन वन जिंक सिलिकेट करेगा दोस्तों। द लाइट एमिटेड बाय द जिंक सिलिकेट कोटेड फ्लोरोसेंट स्क्रीन ऑफ कैथोड रे ट्यूब इज यूजली ग्रीन कलर की होती है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द वेवलेंथ बिटवीन ग्रीन और ऑरेंज? तो ग्रीन और ऑरेंज के बीच में जो वेवलेंथ आती है दोस्तों वो आती है आपकी येलो, ऑप्शन वन बिल्कुल सही रहेगा। बात आई है यहाँ पे वेवलेंथ की, बात करते हैं तो देख सकते हैं आप, जो लाइट कंसिस्ट ऑफ कलर ऑफ वेरिंग वेवलेंथ की होती है, एंड विजिबल लाइट रेंज की अगर हम बात करें तो रेड विद वेवलेंथ ऑफ यहाँ पे 7000 एंगस्ट्रॉम होती है, डाउन टू अगर हम सबसे नीचे वायलेट में जाएं तो यहाँ पे 4000। यहाँ पे काफ़ी सारी आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, इन सभी को आप नोट कर ले दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक मिनट के लिए आपको टाइम देता हूँ, आप देख सकते हैं रेड की जो होती है आपके यहाँ पे वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम होती है, तो अगर हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं ऑरेंज देन येलो ग्रीन ब्लू, तो इसको आप जरूर ध्यान में कर ले। वॉयलेट सबसे डाउन में होता है यहाँ पे, आप देख पाएंगे 4000, और रेड सबसे ऊपर होता है। यहाँ पे आप देखेंगे हैंस येलो कलर हैज द वेवलेंथ बिटवीन ग्रीन एंड ऑरेंज कलर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेपर या गैस विल गिव येलो कलर इन फिलामेंट लैम्प? तो फिलामेंट लैम्प में जो आपको येलो कलर प्रोड्यूस करवाता है वो कौन है दोस्तों? सोडियम, ऑप्शन थ्री बिल्कुल यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप देख सकते हैं सोडियम, जैसा कि सोडियम वेपर लैम्प भी हम यूज करते हैं तो उनकी येलो लाइट देते हैं वो। द टेम्परेचर ऑफ द लैम्प इंक्रीज करता है दोस्तों, एंड द मेटलिक सोडियम वेपराइज एंड देन आयोनाइज देयर बाई प्रोड्यूसिंग द मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट हमें प्रोड्यूस करता है। दिस लैम्प टेक्स 10 से 15 मिनट लेता है दोस्तों पूरा फुल ब्राइटनेस देने में। तो द येलो जो है आपको आउटपुट मिलती है लैम्प में ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट दिखती हैं ये भी क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर ले दोस्तों, येलो लाइट में जो आपको ऑब्जेक्ट दिखेंगी वो आपको ग्रे कलर की दिखेंगी, तो ध्यान में रखें। और यहाँ पे सोडियम वेपर लैम्प की बात आई है तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कुछ इस तरह से होता है, तो पार्ट्स के तौर पर आप इसके नाम याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि द आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू द वेवलेंथ ऑफ, तो आंखों के लिए जो मोस्ट सेंसिटिव वेवलेंथ है दोस्तों 5500 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन वन आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द आई इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर ए वेवलेंथ ऑफ 5500, सो दैट द रिलेटिव सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें यहाँ पर तो वेवलेंथ इज यूनिटी, हम यूनिटी मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गैस इज फील्ड इन द लैम्प एंड द रिजल्टिंग कलर इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं, कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर हम बात करें नियोन तो रेड देता है, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन जो है वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डे लाइट वाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मैग्नीशियम वाइट, तो ऑप्शन फोर जो है बिल्कुल यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन फोर विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम कौन सा कलर देता है, तो मैग्नीशियम वेपर इन फिलामेंट लैम्प गिव ग्रीन कलर देता है दोस्तों, और यहाँ पे वाइट लिखा है, तो यहाँ पे आप सभी औरों को भी जो है वो याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो रेड कलर देता है, हीलियम येलो, कार्बन डाइऑक्साइड वाइट, एंड मर्करी जो है आपका यहाँ पे ब्लू देता है, तो ये सब कलर कोडिंग जो है आपको याद कर लेनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन है कि ए 60 वॉट लैम्प गिव ए ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ 1500 लूमन, इट एफिशिएंसी इज, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम्स में, और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि लैम्प की एफिशिएंसी जब हम निकालते हैं तो वो ल्यूमन पर वाट में होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। ल्यूमन आपको 1500 यहाँ पे दिए गए हैं, अगर हम 1500 के नीचे यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे इसे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों क्या आएगा, 25 ल्यूमन, तो ऑप्शन थ्री जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है लेकिन हर बार ये पूछे जाते हैं, तो इस ऐसे क्वेश्चन को आप याद कर ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 ल्यूमन पर वाट, यहाँ पे आप कैसे निकलेगा, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है दोस्तों ल्यूमन पर वाट, और उसी के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं, तो मोस्ट सिंपल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हेन यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लैम्प्स द रिफ्लेक्टर फॉर मैक्सिमम शुड बी मेड ऑफ, तो जो रिफ्लेक्टर हैं दोस्तों अगर हम यूवी लैम्प्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर हैं वो किसके बने होने चाहिए ये आपको यहाँ पे बताना है, तो एल्यूमिनियम के होते हैं दोस्तों क्योंकि काफ़ी अच्छी उनकी रिफ्लेक्टिंग पावर रहती है, ऑप्शन वन जो है बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूवी लैम्प्स जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे कार्ड मरकरी या अमेलगम जिसे बोलते हैं लैम्प भी बोलते हैं, और इनके जो इनमें क्या होता है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं। द मटेरियल जो हम रिफ्लेक्टर में यूज़ करते हैं वो एल्यूमिनियम करते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं रिफ्लेक्टर पैराबोलिक और इलिप्टिकल होते हैं यूवी रिफ्लेक्टर्स,
नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो द फ्लोरोसेंट ट्यूब ऑफ 30 वॉट हैज़ द ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ, तो यहाँ पे आपको एफिशिएंसी दी गई है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स आपको क्या होगा, तो ल्यूमन में आएगा दोस्तों, क्या आंसर रहेगा ये आपको यहाँ पे बताना है, जल्दी से आंसर करें। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ऑप्शन वन 1800 ल्यूमन जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। कैसे है देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ल्यूमिनस एफिशिएंसी को हम पहले डेफिनेशन देखें तो एज द आउटपुट इन ल्यूमन पर वाट ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय द सोर्स ऑफ लाइट, जो है वो ल्यूमिनस की यहाँ पे एफिशिएंसी की डेफिनेशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर फ्लोरोसेंट लैम्प ल्यूमिनस, तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है दोस्तों वो आपको 40 से 90 के बीच में, अगर आपको नहीं दी जाती तो इसके बीच में आप अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 60 दे रखी है, तो इसके थ्रू अगर हम ल्यूमिनस फ्लक्स निकालेंगे तो देख सकते हैं आप 13 × 60 1800 ल्यूमन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डज नॉट नीड अल्ट्रा वायलेट लैम्प, तो किस में नहीं पड़ती दोस्तों, यहाँ पे यूवी जो लैम्प्स हैं उनकी ज़रूरत यहाँ पे आपको कार लाइटिंग में नहीं पड़ती है, ऑप्शन थ्री आप देखेंगे बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बाकी सभी में आपको ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार लाइटिंग में, तो देर आर वेरियस यूज ऑफ यूवी रेडिएशंस का काफ़ी यूज रहता है, आपको पता है दोस्तों, यूज ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफन प्रोवाइड ए सेफ एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल होती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये वाटर सिस्टम में, इंडस्ट्रियल फूड, इन सब में इनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेशंस तो यहाँ पे मेडिसिन में भी इनका यूज़ करते हैं, यूवी रेडिएशन जो है वो यहाँ पे स्किन कंडीशन ट्रीटमेंट्स में, रिकेटस ट्रीटमेंट्स में, इनमें हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी यूज़ है, तो यहाँ पे हम एरोप्लेन्स में कॉकपिट जो होता है उनमें यूज़ करते हैं यहाँ पे, और साथ ही यूवी लाइट्स इज यूज इन ब्लू प्रिंट मशीन में भी यूज़ होती है टू ड्राई और क्योर इंक एज इट्स प्रिंटेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे तो इनकैंडिसेंट बल्ब आर यूज इन कार लाइटिंग सिस्टम में, हम ज़्यादातर इनकैंडिसेंट जो बल्ब होते हैं अपने वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन होगा एलईडी लैंप हैव ए जनरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ, तो कितनी होती है दोस्तों, यहाँ पे जो एलईडी बल्ब होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए एफिशिएंट रहते हैं, तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, आप देख पाएंगे ऑप्शन फोर 50,000 आर से भी ज़्यादा ये चलने का दावा रखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइट एमिटिंग डायोड है एलईडी, तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं बेनिफिट्स जो एलईडी लैंप्स होते हैं वो उनका वाइड स्पेक्ट्रम में आपको कलर्स मिलते हैं, और साथ ही एलईडी लैंप जो हैं वो कूल रहते हैं टच करने पर, जबकि इनकैंडिसेंट लैंप जो होते हैं वो काफ़ी हॉट हो जाते हैं। यहाँ पे एलईडी लैंप्स जो होते हैं हायर एफिशिएंसी होती है, एंड साथ ही आपकी लॉन्गेस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है अराउंड 50,000 आर्स तक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी लैंप्स आर इन थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम वेपर लैंप्स नीड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अबाउट, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो वैल्यू होती है दोस्तों सोडियम वेपर लैंप की वो आपकी ओनली 5 वोल्ट होती है, ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट आंसर। और ऑपरेटिंग वोल्टेज की अगर हम बात करें यहाँ पे तो अराउंड 220 वोल्ट ही होती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसकी बात आई है तो देख लेते हैं, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज़ वन ऑफ दीज एंड मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, तो एक एटम से उसके जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है आयोनाइज करने के लिए, उसे कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो यहाँ पे 5 वोल्ट के अराउंड 5.12 वोल्ट की जरूरत रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द लो प्रेशर सोडियम लैम्प इज दैट सोडियम एटम हैज लो वैल्यू ऑफ फर्स्ट एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल व्हेन कंपेयर्ड विद अदर गैसेज और वेपर, द आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल होता है आपका इस केस में वो 5.12 वोल्ट होता है अराउंड ओनली। तो यही था गाइज आज का हमारा सेशन, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। इसके साथ ही हम अगले सेशन में मिलेंगे दोस्तों, तो और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मोस्ट सेलेक्टिव होंगे उनके साथ। चलिए गाइज, होप यू एंजॉय दिस सेशन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।